आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले में इन दिनों कई हिस्सों में सुअरों की मौत का क्रम बीते कई दिनों से लगातार जारी है। इसका प्रकोप अब रीवा शहर में भी तेजी के साथ बढ़ने लगा है। गुरुवार को शहर के गुड़चौराहा, रानी तालाब और उसके आसपास ही करीब दर्जन भर से अधिक संख्या में सुअर मृत पाए गए। इसकी सूचना पर नगर निगम के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर उठाव किया और निस्तारण के लिए भेज दिया। शहर के भीतर सुअरों की एक साथ इतनी संख्या में हुई मौत ने तरह तरह की आशंकाएं भी पैदा कर दी हैं। इसके पहले हनुमना और मऊगंज में भी लगातार कई दिनों तक इसी तरह जानवरों की मौत का सिलसिला जारी रहा है, जिसके चलते पशु चिकित्सकों की टीम यहां भेजी गई। जांच के बाद पता चला कि स्वाइन फीवर का प्रकोप है। इसके टीके उपलब्ध थे, इसलिए पशुपालकों से सुअरों को पकड़वा कर टीके लगवाए गए, जिसकी वजह से अब वहां तो मौत का सिलसिला थम गया, लेकिन रीवा के शहरी क्षेत्र में इसकी शुरुआत हो गई है। बता दें कि शहर के गुड़चौराहा, रानी तालाब सहित कुछ अन्य स्थानों में सुअरों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। यह मामला सामने आने के बाद अब पशु चिकित्सा विभाग की टीम एक्टिव हो गई है। बताया गया कि लगातार सुअरों की मौत का सिलसिला सामने आने के बाद स्वाइन फीवर से बचने के लिए पशु चिकित्सा विभाग ने टीकाकरण लगाने की तैयारी भी शुरू कर दी है और आज से इसकी शुरुआत की जाएगी। जिन क्षेत्रों में पशुपालक हैं, वहां सूचित किया गया है कि वह अपने जानवरों को पकड़ कर रखे, जिससे टीकाकरण टीम पहुंचकर उन्हें टीका लगा सके। सुअरों को टीका लगाने में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अधिकांश जानवर खुले में घूमते हैं और ऐसे में उन्हें पकड़कर टीके लगाना मुश्किल होता है। उपसंचालक पशु चिकित्सा डॉक्टर राजेश मिश्रा ने बताया कि शहर में सुअरों के मरने की जानकारी सामने आई है। इसके पहले मऊगंज में भी इसी तरह की घटनाएं हुई थी, जिसमें पता चला कि स्वाइन फीवर है, यह केवल सुअरों में ही फैलता है। कुछ लोग इसे स्वाइन फ्लू से जोड़ रहे हैं। इसका मानव शरीर पर कोई असर नहीं होता है और लोग घबराए नहीं, जानवरों के टीके लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मेरा भारत बंसल नाम है सर। जी सर, मैं वहाँ बोलता हूँ कि बोलते हैं कि मैं नहीं जानता, मैं छू नहीं सकता हूँ। वहाँ के डॉक्टर ये बोलते हॉस्पिटल से कि मैं छू नहीं सकता हूँ, पैसा दो तो मैं मेडिकल रिपोर्ट कर सकता हूँ, पोस्टमार्टम कर सकता हूँ, पैसा दो मुझे तो मैं पोस्टमार्टम करूंगा। राम काली जानवर रोज मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपने आप खाना नहीं खाते हैं, चल नहीं पाते हैं, अपने आप ऐसे सोते हैं तो सोते रह जाते हैं। अभी तक 500 से अधिक जानवर को जानकारी दी गई? नहीं, कोई जानकारी कोई नहीं दी, कोई शासन नहीं आया। बस नगर निगम की गाड़ी आती है, उसमें भर के ले जाते हैं, फेंक देते हैं सबको। मतलब नगर निगम के संज्ञान में है कि जानवर की मौत? हाँ, मतलब हाँ, ये सबको पता है। तो अभी तक कोई मतलब जांच करने नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। बोला अचानक जानवरों की मौत हो रही है, क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है? हमको लग रहा है सर कि बाहर से बीमारी आ गई, उसी कारण मर रहे हैं जानवर। एक तरफ से रोज दिख रहा है कि कई गाड़ियां मतलब जा रही है, क्या इसके लिए आपने सूचना दी है आगे प्रशासन? नहीं सर, सूचना नहीं दिया, नगर निगम वालों को बुलाते हैं और भरवा देते हैं हम लोग बुला के। जैसे मरते हैं कम से कम 10-20 डेली मर रहे हैं पूरे रीवा जिले में। क्या इस मोहल्ले में स्वास्थ्य विभाग कोई आया वहाँ जांच करने की? कोई नहीं आया है सर, कोई किसी प्रकार से अभी तक। कितने दिन से जानवरों की मौत? ये मान लीजिए एक हफ्ता, एक हफ्ते से कंटिन्यू जारी है।